हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आई एम निकिता मलिक एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, तारोज रिवॉर्ड ऑफ क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीसकल। सो स्टार्ट करते हैं। तारो एक वुड कटर होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक पहाड़ी के पास रहता है और वो काफ़ी लविंग सन होता है जो अपने पेरेंट्स की हर इच्छा को पूरा करना चाहता है। तो क्या वो अपने पेरेंट्स की इच्छा को फुलफिल करता है, नहीं करता, और उसको रिवॉर्ड कैसे मिलता है, ये हम इस स्टोरी में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक बहुत ही प्यार करने वाले बच्चे की है और बहुत ही सोच विचारक बच्चे की है, जो अपने पेरेंट्स के बारे में काफ़ी सोचता है और उनसे बहुत प्यार करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो बहुत मेहनत करता है, कठिन परिश्रम करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की सभी इच्छाओं को पूरा कर सके एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और अनएक्सपेक्टेड हेल्प का मतलब है यानी कि बाकियों से अलग, जो उसके पेरेंट्स को एक्चुअली जिस चीज़ की नीड है वो उन्हें दे सके। सो तारोज रिवॉर्ड। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। एक जवान लकड़हारा, वुड कटर मीन्स लकड़हारा जो लकड़ियां काटता है, ठीक है। अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव विद हिज मदर एंड फादर। एक जवान लकड़हारा जिसका नाम था तारो, वो अपने माता पिता के साथ रहता था ऑन अ लोनली हिल साइड। लोनली होता है अकेला और हिल साइड होता है पहाड़ी के साइड में, ठीक है। तो एक अकेली पहाड़ी के पास तारो अपने माता पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप का मतलब होता है कट करना, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना। पूरे दिन वो लकड़ियाँ काटता रहता था जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। दो का मतलब होता है हालांकि वो बहुत मेहनत करता था फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, यानी कि वो बहुत कम कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। दिस मेड हिम सैड, और यही बात उसे दुखी कर देती है। क्या बात कि हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहा था बट फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, तो ये बात उसे दुखी कर देती है। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था, यानी कि एक ऐसा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स की चिंता करता था और उन्हें सब कुछ वो देना चाहता था जो कि उसके पेरेंट्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स बैठे थे, हट होती है झोपड़ी, ठीक है, उनका जो घर था, अपनी झोपड़ी के एक साइड में कॉर्नर में वो बैठे थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तो एक बहुत ही तेज हवा चलने लगी। ब्लो का मतलब वैसे तो बहना होता है पर हवा चलने के लिए भी ब्लो यूज करते हैं। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। विसल का मतलब होता है वैसे तो सीटी मारना, पर जो हवा का साउंड है उसके लिए विसल यूज किया गया है। तो वो क्रैक्स होता है जो ब्रेक हो जाते हैं घर में, कुछ टूट फूट हो जाते हैं, यानी कि जो उसका घर था वो टूटा फूटा था, यहाँ पे ये मतलब है इसका। तो इट विसल्स थ्रो द क्रैक्स, और वो बहती हुई अंदर आ रही थी, यानी कि हवा चल रही थी तो जो उसके घर में क्रैक्स थे उनको क्रॉस करती हुई वो हट के अंदर आ रही थी। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को, यानी कि घर में जो जो लोग थे, तारो और उसके पेरेंट्स, सभी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सैड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। सडनली होता है अचानक से। सडनली तारोज फादर सैड, तुरंत यानी कि अचानक से तारो के फादर कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा है, विश का मतलब इच्छा होता है, कि मैं ये इच्छा करता कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता है। सेक क्या है ये, एक क्योंकि ये एक जैपनीज स्टोरी है तो जैपनीज
लोगों की मतलब उनकी चली हुई उन्होंने किसी को सुनाई, इस तरीके से ये आगे आगे सुनाई गई है स्टोरी, ठीक है। तो जापान में क्या होता है, एक ड्रिंक होती है जिसको सेक बोलते हैं, और वहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, फेक बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक जैपनीज ड्रिंक है सेक, ठीक है। तो उसके फादर क्या कहते हैं कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता, इट वुड वार्म मी, वो मुझे गर्म करता, एंड डू माय ओल्ड हार्ट गुड, और जो मेरा बूढ़ा दिल है उसे ठीक कर देता या आराम पहुंचाता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ये तारो को और भी ज़्यादा दुखी कर देता है। नॉर्मली वो जितना दुखी रहता है कि वो अपने पेरेंट्स की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, उससे वो ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्या होता है, बहुत ही महंगा, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग यानी कि उसके फादर को, फादर के दिल को जो आराम पहुंचाने वाली, गर्मी पहुंचाने वाली जो ड्रिंक है जिसका नाम है सेक, वो बहुत ही महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्स हिमसेल्फ, वो अपने आप से सवाल करता है कि कैसे मैं और पैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने बूढ़े पिता के लिए वो थोड़ा सा सेक खरीद के ला सकता हूँ, या कैसे वो प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले से और ज़्यादा मेहनत करके काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, अगली सुबह तारो अपने बिस्तर से और जल्दी निकल जाता है। यूजुअल होता है जो नॉर्मली काम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली वो जिस टाइम पे अपने बिस्तर को छोड़ के जिस टाइम वो उठता था उससे और भी जल्दी उठ जाता है और जंगल की तरफ चल पड़ता है, यानी कि अपने काम पर चले जाता है। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। चॉप्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कट करना होता है। ही चॉप्ड एंड कट यानी कि वो काटता रहा लगातार कांपता रहा। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया यानी कि धूप तेज होती गई, वो लगातार अपना काम करता रहा। एंड सोन ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, उसको इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको अपनी जैकेट भी उतारनी पड़ी, यानी कि बहुत मेहनत उसने की। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुँह सूख चुका था, सूखा हुआ था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा वेट होता है गीला होना, स्वेट होता है पसीने के कारण, पसीना, ठीक है। तो उसका चेहरा पसीने के कारण पूरी तरीके से गीला हो चुका था। माय पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, तो वो सोचता है अपने बूढ़े पिता के बारे में, ठीक है, और बोलता है काश जितना गर्म अभी मैं हूँ उतने ही गर्म मेरे पिता होते। And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must even earn to buy the sake to warm the old man's bones. और यही सोचते सोचते वो फिर से चॉपिंग करना शुरू कर देता है, यानी कि कट करना, लकड़ियों को काटना स्टार्ट कर देता है और तेजी के साथ, ये सोचते हुए कि उसको जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उससे वो अपने पापा के लिए सेक खरीदेगा, जिससे कि उसके पिता की बूढ़ी हड्डियों को आराम मिलेगा, यानी कि उनके फादर को अच्छा लगेगा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक से तारो लकड़ियां काटना रोक देता है, अचानक से वो रुक जाता है। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, ये कैसी आवाज़ मुझे सुनाई दी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, हो सकती है क्या ये किसी बहते हुए पानी की आवाज़ है, वो अपने आप से ऐसे सवाल करता है। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, तारो को याद नहीं आता, रिमेम्बर का मतलब होता है रिकॉल करना या याद करना। तारो कुड नॉट रिमेम्बर एवर सीइंग और हियरिंग का मतलब सुनाई देना, रशिंग स्ट्रीम यानी कि बहता हुआ झरना, स्ट्रीम क्या होता है, वाटर बॉडी होती है, पानी का झरना आप कह सकते हो, ठीक है।
तो तारों को याद नहीं आता कि क्या उसने कभी देखा या सुना है किसी बहते हुए झरने के बारे में इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के उस भाग में। क्या उसको याद नहीं आता कि क्या यहाँ कभी कोई झरना था, ना तो उसने कभी ऐसा देखा था और ना कभी सुना था। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। थर्स्टी क्या होता है? प्यासा। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। एक्स होता है कुल्हाड़ी, तो ड्रॉप का मतलब छूट जाना या गिर जाना। उसके हाथों से कुल्हाड़ी नीचे गिर जाती है, छूट जाती है और वो भागता चले जाता है जिस डायरेक्शन से साउंड आ रहा होता है उस डायरेक्शन की तरफ। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटिल वॉटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, बिहाइंड का मतलब पीछे। तो तारो को दिखाई देता है बहुत सुंदर सा वॉटरफॉल यानी कि झरना, एक रॉक चट्टान को बोल सकते हैं या पहाड़ को बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक पहाड़ के पीछे तारों को एक बहुत सुंदर सा झरना दिखाई देता है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वॉटर फ्लोट क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। नीलिंग का मतलब होता है झुक जाना। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वॉटर फ्लोट क्वाइटली, तो वो एक जगह झुक जाता है जहाँ पे पानी बह रहा होता है शांति से, तो वो वहाँ झुक जाता है। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, तो अपने हाथों में जैसे हमें पानी पीना होता है तो हम इस तरीके से कप का शेप बना लेते हैं, तो इसी तरीके से तारो भी क्या करता है, अपने हाथों को कप कर लेता है, कप का शेप बना लेता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों पे उसे लगा लेता है यानी कि ऐसे करके पानी पीना स्टार्ट करता है। वॉज इट वॉटर और वॉज इट सेक, तो वो क्वेश्चन करता है क्या ये पानी था या फिर सेक था। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और वो उसे बार बार अगेन एंड अगेन यानी कि बार बार उसे टेस्ट करता जाता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और हर बार जितनी बार वो उसे टेस्ट करता है वो डिलीशियस होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट उसको वो टेस्ट कैसा लगता है, एक डिलीशियस सेक का, यानी कि वो वाटर नहीं था। इंस्टेड का मतलब के बजाय, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की जगह वो किसका टेस्ट दे रहा था, सेक का टेस्ट दे रहा था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर, पिचर क्या होता है, बर्तन, ठीक है, लकड़ी सॉरी मिट्टी के बर्तन को पिचर बोलते हैं। तो तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरेड होम। हरेड का मतलब जल्दी से, ठीक है। तो तारो जल्दी से क्या करता है, पिक्चर को फिल करता है, अपने बर्तन को पॉट को भर लेता है और भागता हुआ अपने घर की तरफ चले जाता है, यानी कि जल्दी से अपने घर जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो बूढ़ा आदमी होता है यानी कि तारो का फादर जो होता है वो बहुत खुश होता है सेक को पी के। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. After यानी कि बाद में, तो after only one swallow, swallow बोलते हैं सूज जाना, यहाँ पे घूट के लिए यानी कि वन सिप के लिए बोला गया है, ठीक है। तो after only one swallow of the liquid, सिर्फ एक घूट के बाद जो लिक्विड था यानी कि जो सेक था उसके सिर्फ केवल एक घूट के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग। शिवरिंग क्या होता है, कांपना, ठीक है, ठिठुरना, जैसे ठंड के कारण हम कांपने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, शिविर बोलते हैं। तो वो कांपना बंद कर देते हैं। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर पर वो थोड़ा सा डांस करते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेवर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, नेबर होता है पड़ोसी, स्टॉप्ड बाय का मतलब आता है हालचाल पूछने या मिलने, फॉर अ विजिट। तो उस दोपहर उनके घर एक पड़ोसी उनके यहाँ पूछने मतलब हालचाल के लिए आता है पूछने। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, और तारो के फादर पोलाइटली यानी कि बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही नम्र स्वभाव के साथ, ऑफर करना यानी कि किसी को कोई चीज़ देना, हर अ कप ऑफ सेक, उस महिला को एक कप सेक का ऑफर करते हैं या पिलाते हैं। जैसे कोई आता है तो आप उन्हें चाय पानी के लिए पूछते हैं, इसी तरीके से वो सेक उन्हें
द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली. ग्रीडी होता है लालची. तो जो लेडी थी वो उसे पीती है बहुत ही ग्रीड के साथ, यानी कि लालच के साथ कि और मिल जाए जितना कम हो उतना ही ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है सेक काफ़ी कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था. तो वो उसे बहुत ही लालच के साथ ड्रिंक करती है एंड थैंक द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी को आभार देती है या धन्यवाद करती है. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और फिर तारो उन्हें मैजिक वाटरफॉल, जो जादुई वाटरफॉल था, उसकी कहानी सुनाता है. थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी. धन्यवाद करने के बाद, किसके लिए धन्यवाद करने के बाद, डिलीशियस ड्रिंक यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट जो पेय पदार्थ था, ड्रिंक था, उसको पिलाने के लिए वो उनको धन्यवाद देती है. और शी लेफ्ट इन अ हरी, हरी होता है जल्दी में, और फिर जल्दी में वहाँ से चली जाती है. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और रात होते होते, नाइटफॉल का मतलब क्या है, अंधेरा होने तक, स्प्रेड का मतलब फैला देना, थ्रू आउट यानी कि पूरे हर जगह. तो क्या मतलब हुआ इसका, बाय नाइटफॉल रात्रि होते होते वो इस कहानी को पूरे गांव में फैला देती है. दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस. उस शाम एक लंबा प्रोसेशन होता है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप या भीड़ कह सकते हैं, ऑफ विजिटर, विजिटर होता है आने वाले, ठीक है, टू द वुड कटर्स हाउस. तो उस शाम को बहुत सारे लोग वुड कटर के घर आते हैं, सॉरी यानी कि तारों के घर आते हैं. ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक. तो जो भी आता है सभी लोग कहानी सुनते हैं कि वाटरफॉल की क्या स्टोरी थी, और सिप का मतलब होता है घूट, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा वो सेक पीते हैं. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. तो एक घंटे से भी कम समय में जो पिक्चर यानी कि जो बर्तन था जिसके अंदर सेक था वो खाली हो जाता है. एम्प्टी का मतलब हो जाता है खाली, ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह तारो अपने काम पर फिर चलता है, इवन अर्लियर यानी कि और भी जल्दी देन द मॉर्निंग बिफोर. तो अन्य दिन वो जिस टाइम जाता था उससे भी जल्दी वो जाता है अपने काम पे. He carried with him the largest picture he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. तो वो क्या करता है, अपने साथ एक बड़ा सा बर्तन लेके जाता है. He owned का मतलब क्या होता है, जिसका अधिकार हो, यानी कि ये मेरा पेन है, तो मेरा अधिकार है कि मैं इसकी मालिक हूँ. तो वो जो भी उसके पास सबसे बड़ा बर्तन होता है जिसका उसके ऊपर अधिकार होता है तो वो उसे उठाता है, लेके चले जाता है. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वॉटरफॉल. और इंटेंड का मतलब होता है वो प्लान करता है. तो क्यों वो अपने साथ बर्तन लेके जाता है, क्योंकि वो ये प्लान करता है कि वो अपने साथ एक बर्तन लेके जाएगा और उसे फिल करके ले आएगा वॉटरफॉल से, ठीक है, भर के ले आएगा. ये वो प्लान करता है. इंटेंड का मतलब कोई योजना बनाना, ठीक है. व्हेन ही रीच्ड इट He found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो पाता है कि उसको बहुत सरप्राइज होता है कि उसके जितने भी पड़ोसी थे सभी नेबर्स वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं. दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. और वो उन क्या लेके आए थे, कैरी का मतलब अपने साथ लेके आना, पिक्चर बर्तन लेके आए हुए थे, जार्स लेके आए थे, बाल्टियाँ, बकेट्स लेके आए थे, या फिर कुछ भी जिसमें वो सेक को होल्ड कर सकते हैं, मैजिकल सेक को, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आए हुए थे. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वॉटरफॉल टू ड्रिंक. देन यानी कि फिर एक विलेजर, नेल्ट का मतलब मैंने आपको पीछे भी बताया झुकना होता है, तो एक विलेजर झुकता है अपने माउथ को नीचे करता है ताकि वो उसको ड्रिंक को टेस्ट कर सके. ही ड्रैंक अगेन एंड देन शाउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर. अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. तो क्या होता है,
एक विलेजर जैसे ही झुकता है नीचे टेस्ट करने के लिए कि वाटरफॉल का जो ड्रिंक था, ड्रिंक आ रहा था वाटरफॉल से, उसको टेस्ट करने के लिए झुकता है, और वो जैसे ही उसे पीता है फिर से पीता है अगेन एंड अगेन, यानी कि वो रिपीटेड टाइम ड्रिंक करता है, एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाता है, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, और कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरे लोग भी ट्राई करते हैं, बट देयर वॉज नो सेक, बट वहाँ कोई भी सेक नहीं होता, ओनली कोल्ड वाटर, यानी कि सिर्फ ठंडा पानी होता है. वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक का मतलब होता है बेवकूफ बनाना या धोखा देना. तो शाउटेड द विलेजर्स, तो विलेजर्स क्या चिल्लाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बेवकूफ बनाया गया है. वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, उसे इसी झरने में डुबो देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, लेकिन तारो इतना काफी समझदार, वाइज एनफ का मतलब काफी समझदार होना, ठीक है, टू स्लिप बिहाइंड यानी कि छुप जाना, ठीक है. तारो इतना समझदार होता है कि वो एक पहाड़ी के पीछे छुप जाता है जब वो देखता है कि क्या चीजें हो रही हैं या जो भी चीजें चल रही होती हैं, तो वो उनको देखने के लिए पहाड़ी के पीछे छुप जाता है. ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, और वो ढूंढने के लिए कहीं भी नहीं था, यानी कि वो किसी को भी नहीं मिलता. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. मटरिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, बड़बड़ाना, आपस में धीरे धीरे आवाज में बातें करना. तो मटरिंग देयर एंगर यानी कि गुस्से में कुछ कुछ बोलना, जैसे हम गुस्से में कभी कभी कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, तो इसी तरीके से सभी विलेजर्स भी गुस्से में थे, तो वो भी इस तरीके से कुछ कुछ बुरा भला तारो के लिए बोल रहे थे. एंड डिसअपॉइंटमेंट, और डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा, ठीक है, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो वो गुस्से में और निराशा के साथ एक एक करके उस प्लेस को छोड़ देते हैं, यानी कि वहां से चले जाते हैं. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और फिर तारो बाहर आता है अपनी छुपी हुई जगह से, यानी कि जहां वो छुपा होता है वहां से वो बाहर आता है. वॉज इट ट्रू, ही वंडर, और वो हैरान रह जाता है, क्या ये बात सच है. वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या वो जो सेक था वो केवल एक सपना था. वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और एक बार फिर वो थोड़ा सा जो ड्रिंक था, लिक्विड था, उसको लेता है और उसको पीता है, टेस्ट करता है. इट वॉज द सेम फाइन सेक, और वो बोलते हैं कि ये तो वही सेक है जैसा कल था, वही तो सेक है, पानी का है. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक, और जो समझदार बच्चा था, जो अपने पेरेंट्स की बहुत फिक्र करता था, उस बच्चे के लिए वो मैजिकल वाटरफॉल था जिसने उसे डिलीशियस सेक यानी कि टेस्टी सेक प्रोवाइड किया था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सभी को सिर्फ कोल्ड वाटर मिलता है, पर क्योंकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स की बहुत फिक्र करता है, इसीलिए सिर्फ उसी को मैजिकल वाटरफॉल से डिलीशियस सेक मिलता है. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. और ये जो कहानी थी तारो की और magical waterfall की, ये Emperor होता है सम्राट या राजा, ठीक है, तो जापान के राजा तक ये बात पहुंचती है. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और वो जो Emperor यानी कि जो राजा थे, वो क्या करते हैं, यंग वुड कटर को बुलाते हैं, और रिवॉर्ड करना यानी कि उसे तोहफा देना, सम्मान देना, उसे क्या देते हैं, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 सिक्के देते हैं उसे गोल्ड के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो बहुत समझदार था, अच्छा था, दयालु था, इसलिए उसे 20 सिक्के दिए जाते हैं. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और फिर वो बहुत सुंदर सा एक वाटरफॉल होता है शहर में, उसका नाम तारो के नाम पर तारो रख देते हैं. दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर
पेरेंट्स। और ये कहा जाता है कि एम्परर ने सबको क्या बताया, ऐसा उसने किस लिए किया, ताकि सभी बच्चे एनकरेज हों, यानी कि सभी बच्चों को मोटिवेशन मिले कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, उनकी सभी बातें माने, उनसे प्यार करें। तो ये एक मैसेज देता है जापान का जो राजा होता है तारों के रिगार्ड में, और उसे रिवॉर्ड करता है। सो दिस इज अ जैपनीज स्टोरी रीटोल्ड, यानी कि जिसे दोबारा से सुनाया जाए। तो मुझे तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, आई होप आपको भी लगी होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।